हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस टेक न्यूज के पहले एपिसोड में, जहां पर आपके लिए मैं लेकर आया हूँ काफी मजेदार टेक न्यूज। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। ये सैमसंग गैलेक्सी S23 है, पर जो फोटोज निकल के आ रही है वो काफी अलग रह रही है। जैसे कि इस फोटो में आप देख सकते हो कि पहले क्या फोटो ली गई और बाद में सैमसंग ने क्या फोटो बनाई। न्यूज के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, सैमसंग गैलेक्सी S23 या फिर जिसमें भी 100x जूम होता है उसमें AI प्रोसेसिंग होती है। तो लोग इसे कह रहे हैं कि ये फोटो एकदम फेक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी अगर बात करें तो बहुत ही मजेदार खबर है ये गेमर्स के लिए। BGMI गेम जो पिछले साल बैन हो गई थी, उसके काफी ज्यादा चांसेस है कि इंडिया में वापस वो अनबैन हो जाए। लेकिन इस बार जो BGMI आपको खेलने को मिलेगी वो पहले से काफी डिफरेंट होगी। प्ले टाइम जो रहेगा उसमें वो काफी लिमिटेड रहेगा और इंटरनल भी काफी सारे चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे BGMI में। दोस्तों, फ्रांस में एक नया ही रूल पास हुआ है कि अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे की फोटोज लेके सोशल मीडिया पर शेयर करता है, उसके इमेज राइट्स के लिए उसके पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। और ये चीज फ्रांस में पूरी तरह से बैन हो चुकी है। आपको क्या लगता है, इंडिया में इस तरह के रूल्स बनने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आईफोन जो कि हर एक आदमी लेना चाहता है, काफी सारे सर्वे करने के बाद ये पता चला है हर 4 प्रीमियम स्मार्टफोन में से 3 जो है आईफोन ही निकल कर आए हैं। शाओमी वैसे तो टॉप पर रहता था स्मार्टफोन सेल करने के मामले, लेकिन सैमसंग ने शाओमी को बीट कर दिया है। इतना ही नहीं कि सैमसंग ने शाओमी को बीट किया है, सैमसंग पहले नंबर पर आया है, शाओमी जो है तीसरे नंबर पर जा चुका है। अगर आप लोगों को पता है कि दूसरे नंबर पे कौन सा है, कमेंट में जरूर बताना। अगर हम आज की आखिरी टेक न्यूज की बात करें तो गाइस, फ्लिपकार्ट से एक आदमी ने आईफोन ऑर्डर किया था, लेकिन उसे आईफोन के बदले में डिटर्जेंट दिया गया। जो फ्लिपकार्ट पर रिटेलर था उसने एज अ कंपनसेशन उस बंदे को 25,000 रुपया और साथ ही साथ पूरे पैसे रिफंड कर दिए। अगर आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि फ्लिपकार्ट से आपने कुछ ऑर्डर किया है और कुछ गलत ही आया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो या फिर इसी तरह की और वीडियोस आप लोग चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टेक न्यूज के एपिसोड के साथ।